एक किलो लाओ घी चंदा इकट्ठा करके, और तेरा दोस्त है ना माखीजा, वह तो मोटा, घी से नहला के और उस पर कामी पोते बिठा दो। मम्मी चाय बना दे यार। क्या और बेटा? यार पापा चाय पीने दे यार। चाय? चाय तो बन जाएगी ना, चाय में क्या हुआ? मम्मी कहाँ गई हो? मम्मी तुझे पता नहीं क्या मम्मी कहाँ गई है? तेरी नानी क्या गई है ना? झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह यार। सुबह सुबह कहाँ झूठ बोलूंगा मैं सुबह सुबह? नानी के यहाँ क्या लेने को, उसके तो लड़की हुई। अच्छा अच्छा, तो तुझे भी पता है? पापा मेरे सपने में गणेश जी आए थे। गणेश जी? वो भी तेरे सपने में? अरे दस दस दिन तक तो तू नहाता नहीं है, और गणेश जी तेरे सपने में कैसे आएंगे? तुमको नानी से क्या मतलब, वो तो आगे आगे। हाँ यार बेटा, 3 दिन बाद है ना गणेश चतुर्थी है, इसीलिए तेरे सपने में आए गणेश जी। हाँ इसलिए तो और बोले मेरे से कि तू मेरी स्थापना करना, और तेरे घर पर सिद्धि आएगी, पैसे आएंगे, तेरे को बहुत बढ़िया कर दूंगा, मैं ऐसे बोला था। स्थापना करें गणेश जी की है? हाँ स्थापना तो कर देगा तू। हाँ। उनकी सेवा पूजा कैसे करेगा? मैं करूंगा नहीं, आज से और कैसे करूंगा? आज से करेगा सेवा पूजा। हाँ। नहाता तो तू 15-15 दिन में है, रोज सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, रोज के रोज नहा के फिर पूजा होगी उनकी। रोज नहाना पड़ेगा तो ऐसे हो जाएगी सेवा पूजा? मैं पतला हो जाऊंगा रोज नहाने से, तो कोई बात नहीं, लाके बिठा देगा और फिर सेवा पूजा हमें करनी पड़ेगी। नहीं मैं कर दूंगा, मैं करूँ रोज 3 बजे उठ के नहा लूंगा। 3 बजे? हाँ। तेरे पापा भी नहाए थे क्या 3 बजे उठ के? मैं नहाऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, पापा नहाए नहीं नहाए, मुझे क्या करना। पर पैसे कहाँ से लाएगा? आप दो मेरे को पैसे। मेरे पास नहीं पैसे, देख बेटा। वो पास में पैसे वो भी चल जाएंगे, गणेश जी के नाम पर नहीं दे रहे हो, घर के नहीं दे रहे, तो दूसरे से चंदा मांगूंगा, वो कैसे देगा? तो चंदा मांग के लिया तो मांग लो, मैं चंदा मांग लूंगा, चंदा चंदा देगा कौन तेरे को? मैं तो मोहल्ले में सीधे से मांग लूंगा। किधर से मांगेगा? मेरे दोस्तों को बुला लूंगा, उनसे ले लूंगा। अच्छा तेरे दोस्तों को बुलाएगा? हाँ। वो दे देंगे? हाँ। तेरा एक भी दोस्त ऐसा है जो तुझे चंदा दे देगा? अरे वो मेरे को होटल पे खाना खिलाना तो ले जाते हैं, वहाँ पे पैसे दे दे तो फिर गणेश जी के लिए देंगे क्या? होटल पे खाना खिलाएंगे तेरे दोस्त? सारे के सारे कंजूस है। अरे पापा ऐसे नहीं बोलोगे मेरे दोस्त के लिए? वाह दोस्तों की तो बड़ी वो कर रहा है तू, पैसे देंगे हमको सारे मिलकर, पैसे उगा के फिर गणेश जी बिठाएंगे बहुत बड़े वाले। देख बेटा ऐसा कर, मैं कहूंगा ना जैसा करेगा तेरा पैसा ही बच जाएगा, पैसा लाने की जरूरत नहीं तुझे। तेरा दोस्त ना मोटू, है ना, ऐसा करना 1 किलो घी लाना। 1 किलो घी? देशी घी। 1 किलो देशी घी। अब मैं डेरी का ले आऊंगा, कोई सा भी ले आना, और 1/2 किलो लाना कामी, उसका क्या करूंगा, और 1 चांदी का वर्क का पैकेट ले आना। तो तेरे दोस्त मोटू को घी से नहला देना, और कामी उसके ऊपर बढ़िया लपेट देना। यार पापा वो 18 दिन तक नहीं नहाता है, पानी से घी से नहलाऊंगा उसको। घी से नहला से पवित्र हो जा, और उस पे ना चांदी का वर्क चिपका के, और जहाँ तेरे को रखने ना गणेश जी वहाँ बिठा देना उसको। यार पापा दिमाग खराब मत करो यार, मैं मजाक के मूड में नहीं। मत देख बेटा, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे को गणेश जी बिठाना, बिठा चंदा इकट्ठा कर, कुछ भी कर, मेरे पास तो पैसे है नहीं। आपके पास पैसे नहीं? हाँ, नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीने के तो पैसे मिल जाते हैं, पैसे नहीं है, फोकट खर्चा करने में, घूमने में पैसे आ जाते हैं। फोकट खर्चा करता हूँ मैं, लाऊंगा मैं तुम्हें। तुझे इतना बड़ा कर दिया मैंने, एहसान कर दिया, बड़ा कर दिया। अब तक तो इतना हो जाना चाहिए, अभी तक भी यही है तू, एहसान कर दिया। अरे भाई छोटो, ऐसे कैसे टेंशन में बैठा तू? अरे यार दिमाग खराब हो रहा है यार, तू मोटू यार। कैसे? गणेश जी बिठाने के लिए पैसे नहीं है, गणेश जी बिठाऊंगा मैं यार। हाँ तो बिठा देना, इसमें क्या है जो? बिठा लो ऐसे ही बिठा लो, पैसे की जरूरत है, पैसे कहाँ है, तू देगा ना पैसे? पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तेरे पास पैसे नहीं है? कहाँ है पैसे? पूरा कान सोनों की बालिया से भर रखा, खा खा के हाथ बन गया, और पैसे नहीं है, मतलब भगवान के नाम पे तेरे पास पैसे निकल रहे हैं। एक काम कर, तेरे वो तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है यार, तू देगा पैसे तो? मैं कहाँ से दूंगा, 3 दिन से घर में आटा नहीं है मेरे। मान के खा रहे तू? हाँ। एक गेंदे जैसा शरीर बना लिया, बोल रहा मेरे पास पैसे नहीं। एक काम कर, दो तेरे कान की बाली, नहीं नहीं
दो मत दे, पूरा कान काट के दे दे। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ जो? कान के कान काट के दे दे। अरे इनको बेच के गणेश जी बिठाएंगे अपन। इसको काट के गणेश जी बिठाएंगे? हाँ। इसको काट के इसको बिठाएगा कि गणेश जी को बिठाएगा? अरे तेरे कान की बालियों को काट के और बालियों को निकाल के बेच के तो गणेश जी बिठाएंगे। पागल है क्या? दिमाग खराब मत करे, तू काम की बात कर। करना क्या है तेरे को? करना क्या है कि मुझे गणेश जी बिठाने, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े। मेरे पापा तो पैसे नहीं दे रहा है और तू भी हेल्प नहीं कर रहा है। एक काम करे अपन, सारे दोस्त मिलकर चंदा उगा। चंदा, मैं भी यही कह रहा था। तो चले चंदा उगाने। हाँ चल। तो तू कितना पैसे देगा? अरे चंदा ले लेंगे ना, चंदे से हो जाएगा ना काम। मैं क्या कहूँ, मेरे बाप चंदा को ले लेंगे पर पैसे घटेंगे, ज्यादा कम होंगे तो अपन लोग को मिलाना पड़ेगा। हाँ वो कर दूंगा मैं। फिर एक बेचनी पड़ेगी कान की। हाँ वो सब देख लेंगे पहले, चंदा तो उगाए पहले। हाँ चल। अगर चंदा ज्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे? जो जलाएंगे देसी घी की, वो गणेश जी के, और बचेगा जो लड़कियों को खाना खिला देंगे, बच्चों को, छोटी वाली को। चल ठीक है, तू मत सोच के बचेगा, जिसका हिस्सा कर लेंगे, पार्टी करेंगे। और बच गए पैसे अगर, तो अपन भंडारा करेंगे, लड़कियों को खाना खिला देंगे। तो इतना चंदा आएगा क्या जो गांव वालों को खिलाएंगे? अरे पैसे बच गए तो। अच्छा। और नहीं बचे तो जब से मिला लेंगे, लेकिन लड़कियों को खाना जरूर खिलाएंगे। और अपन दोनों को चंदा देगा कौन? तेरा मार्केट में रिकॉर्ड तो खराब है। मैं डकैत थोड़ी हूँ, मेरी बात सुन। एक तो तू हो गया, एक मैं हो गया, और दो दोस्तों, दो तीन दोस्तों को और बुला लेते हैं, तो सारे के सारे मिल के चलते हैं। हाँ ये सही है। हाँ। लेकिन तू मुंह धो के चला कर यार, वो तेरे से डर जाते हैं लोग। चल चलूंगा वो तो। हाँ। कब चलना है तुझे बता? अभी चलना है। और कब चला? चल फिर चल। ना करो जाया कर, लेकिन गणेश जी बच जाएंगे तेरे डर से यार। अबे दादागिरी चल करने चल रहा है कि चंदा मांगने चल रहा है? अरे चंदा मांगने जा रहा हूँ, लेकिन तेरे जैसे चल रहा हूँ मैं, कि तू कैसे चलता है पेट हिला हिला के। अच्छा भैया जी, हम चंदा के लिए आए। ओ नंदा। अरे चंदा चंदा नंदा। अरे छोटू क्या हुआ? अरे गांव वाले सब कहते हैं ये बेरा है। अरे वो ना दे, बेरा है तो मुझे क्या शादी करनी है, मुझे तो चंदा लेना है और चंदा लेके जाऊंगा मैं। तू रुक। तो चंदा देगा कैसे ये? अरे तुम भेजा मत करो भैया, चंदा लेना है। चंदा कौन? अंदा। अरे अंदा के लिए बोल रहा हूँ मैं यार। अरे भैया हम चंदा लेना है, चंदा मूर्ति के लिए। डंडा? अरे कौन सा डंडा यार, बहरा यार, सुनाई नहीं देगा इसको। अरे तू रुक यार, लास्ट बार कोशिश करता हूँ। चल ठीक है। मैं यू बोल रहा हूँ के ये और मैं, चंदा लेना है। चंदा कौन सा डंडा? अरे कैसे बोला था नहीं यार, चंदा के चलाकर बात सुनी तेरे, इसलिए बोल रहा हूँ गंदा। अरे तो नहा के तो आया हूँ मैं। चंदा चाहिए, चंदा गंदा हो रहा है। अरे चल रहे यार, ये नहीं दिएगा पैसे, बेरा है साला यार, ये तो बेरा। चले अपन तो। हाँ बेरा नहीं हूँ मैं, टकाटक टकाटक सुनता हूँ मैं। चंदे की बोल रहा था, जब तो भी सुनाई दी तुझे। चंदा लेगा, चंदा लेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? डॉक्टर साहब। अरे देखता हूँ कौन है। अरे आ गए डॉक्टर, आ गए। अरे तो तू आ सुबह सुबह। नमस्कार। और ये फोन कितने कटी कर रखी तूने यार? अरे बैठो बैठो, और कैसे हो डॉक्टर साहब? हाँ यार, तेरे दोस्त को भी ले आते लो मोटे को आज। अरे ले आए, मैं मोटे को लेट आ गया यार। भेद 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 तो तोड़ा है किसके पेट में इसमें? हाँ यार तेरी तरह हो गया। मेरी तरह थोड़ी, मेरी तरह कहाँ यार, आप मजाक कर रहे हो यार। पहले नहीं हुआ था क्या? तू काम की बात कर। चल बता कैसे आया आज सुबह सुबह? यार डॉक्टर साहब जरा सा काम था आपसे। तो बता मेरे से क्या मदद चाहिए तेरे को, कुछ का इलाज उलाज कराना है क्या? अरे डॉक्टर साहब यार, क्या तुम भी बीमारी के लिए अगरबत्ती लगा तो इलाज नहीं करवाना है? यार वो तो मेरा कलम है यार, मैं तो उसी के लिए लगाऊंगा ना, क्यों? वो तो होता ही नहीं है। हाँ सही है सही है, मैं बोल रहा हूँ क्या आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, कर दोगे क्या? बोलना, कर दूंगा। कर दोगे? हाँ कर दूंगा बिल्कुल। मेरी बात सुन, एक डॉक्टर ना दूसरों को देता है चंदा, अब देगा नहीं देगा तो हाँ तो कर दी, देखते हैं क्या होता है। मैं बोल रहा था डॉक्टर साहब, अपने मोहल्ले में है ना स्थापना करेंगे गणेश जी की। लेकिन अर्थात तो गणेश जी दूसरे बैठाते हैं यार। अरे दूसरे तो बिठाते हैं, लेकिन अपन तो अपने मोहल्ले में बिठाएंगे ना। तो अपने मोहल्ले में चंदा लेने में दूसरे आते हैं, तू तेरे आ गया अभी कंगा लेने, नहीं चंदा लेने।
कंगे की नहीं बोल रहा, वो चंदे की बोल रहा, बोलता तू भी यार तो काम बिगड़ेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, दूसरे भी आते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले के लिए हम भी आ गए भाई कि भाई इस साल अपन भी चले तो सब चले ले रहे जितना बना आप देखो। यार तो तू बात ऐसी है, मैं तो तेरे को चंदा तो दे दूंगा, पर वो दूसरे आदमी आएंगे उनका तो जानता है मोहल्ले में दबदबा है, है ना। अब चंदा तो मैं उनको दूंगा यार। यार कैसे इंसान हो, अपने घर के इंसान को नहीं दे रहे हो, दूसरों को देने जा रहे हो दबदबा है। तो वो घर वाली बात में समझता हूँ, पर लेकिन यार तू या तो उनको लेके आ जा, उनके साथ मैं तेरे को जो हेल्प बनेगी मेरे से मैं दूंगा। भगवान के नाम से कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो तुम डरते हो मतलब दूसरों से उससे? ए यार डरने की बात नहीं, मोहल्ले की बात है यार। अब वो आते हैं फिर वो बात गड़बड़ हो जाएगी ना, मैं तेरे को भी दे दूंगा उनको भी दे दूंगा, फिर वो बोलेंगे आपने दिया चंदा, वो बात बिगड़ जाती है। तो मोहल्ले में तो हम भी तो रहते हैं। अरे जो आज साल बिताते आ रहे हैं उनको देना पड़ेगा ना पहले, मैं आपको दे दूंगा, फिर वो आएंगे वो आपने उनको भी चंदा दे दिया, हमको भी दे रहे हो, तो आप ऐसा करो उनको साथ में लेते आ जाओ, मैं चंदा दे दूंगा आपको। काम नहीं होगा, चल। तू है ना, तू है बेलूसी साले, ना तदो का कुछ नहीं है, बात उड़ता फिरता है, कोई बात नहीं, लोग के साथ दे दो यार, अपने यहाँ बिठाएंगे गणेश जी। तो अभी तो मैं तेरे को दूंगा नहीं चंदा, तू उनको लेके आ जा, मेरे से जो हेल्प होगी मैं तेरे को करूंगा, पूरी पूरी करूंगा। फिर दे दोगे? हाँ पूरी दूंगा मैं। ले चल चल उठ, ले चल इसको भी। अरे सुन छोटू, क्या आप क्या है मनुष्य? मुझे भूख लग रही है और नींद भी आ रही है, अब बता क्या करना है, और चंदा मिला नहीं, क्या करना यार, मैं भी थक गया हूँ और मैं भी थोड़ी बहुत देर खाना खा कर आराम करूंगा, फिर कल करेंगे, कल चलेंगे लेने चंदा। हाँ कल चलेंगे। और मेरी बात सुन। हाँ कल ना के जरूर आ जाऊं। ना के तो आता हूँ मैं। ना के आता है, जा रहा हूँ मैं तो। अबे काम कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, किसे टपकाना है? अरे टपका देगा ना मेरा फोकट, वो वैसे ही फोकट है। हाँ हाँ हाँ, पेमेंट पूरा चाहिए मेरे को। हाँ चल ठीक है, रखता हूँ मैं पेट पोकट। इस बार गणेश चतुर्थी का काम कैसा चल रहा है? इस बार थोड़ा चंदा कम मिल रहा भाई। क्यों? क्योंकि कोई मार्केट में आ रहा है भाई। रोक रोक रोक, पहले गुटका थूक के बात कर। हाँ बोल। हाँ भाई, तो इस बार क्या मोहल्ले में कोई और चंदा इकट्ठा करेला भाई? कौन है? कोई है छोटू, छोटू नाम का, अपने पंटर लोग नहीं है क्या? हाँ। उन्होंने बताया भाई। छोटू? अबे छोटू कौन है? अबे ऐसा तो कोई अपना दुश्मन भी नहीं है। हाँ भाई वही मैं सोचू भाई। कहाँ रहता है छोटू? वो अपना मोहल्ला है ना, उसके पीछे वाले मोहल्ले में रहता है भाई। वो इतनी दूर रहता है? हाँ भाई। इसका कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, वरना ये अपने बस की होगा भैया। चल ठीक है, एक काम करेगा। हाँ बोल ना भाई। जा उसको लेकर आ। अरे जा जल्दी जा भाई, बहुत दूर है भाई। तो क्या करूं? जा। आपकी हीरो पुक की चाबी मिल जाए तो मजा आ जाता भाई। मेरे हीरो पुक की चाबी? हाँ भाई। चाबी की तो निकल भाई, बहुत दूर है भाई, थोड़ा दो ना भाई। देखा आप निकल गए ना चाबी भाई। ऑटो करके जा निकल। क्या भाई आप भी, मुझे तानसेन तो खिला देता भाई। निकलना। अरे यार दिमाग खराब कर रखा है यार, बोल रहे गणेश जी बिठाए, गणेश जी बिठाए, अभी तक कोई मोटा भी नहीं आया और कोई भी नहीं आया, सारे लापरवाही करते रहते हैं यार, फोकट के इंसान फोकट काम करता है। तुम में से छोटू कौन है बे? मैं हूँ, दिखाई नहीं देता है क्या? और तू कौन है? मैं पप्पू फोकट। साले माँ बाप भी क्या नाम रख देते हैं, फोकट झोपट खोपट। ठीक है मुझे क्या करना है, क्या काम है? मैंने सुनने लाया है कि तू चंदा इकट्ठा करेला है। हाँ कर रहा हूँ। कितना चंदा इकट्ठा हुआ? बहुत सारा हो गया, चंदा तो सिर्फ जरा से घट रहा है यार। अगर तुझे सारा चंदा अपना भाई दे देगा तो कैसे लगेगा? ए? अगर तुझे सारा चंदा एक ही आदमी मेरा भाई दे देगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो चंदा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। चाहिए यार। तो ठीक है, हम दिला देंगे तुम्हें चंदा। दिला दे। चलो तो फिर।
कहाँ चलना है? बाउली के पीछे। बाउली के पीछे? बाउड़ी के पीछे वे। मैंने तो इमली के पीछे देखा, आम के पीछे देखा, दीवार के पीछे देखा है, बाउड़ी के पीछे क्या है? ठीक है चल। ठीक है चलो, मेरा दोस्त भी साथ में चलेगा। नहीं 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 नहीं, अगर तुझे चंदा लेने का है तो छोटू अकेला ही जाएगा। oh, no. चलना है तो बोल, नहीं तो रहने दे। तुझे रुकना में लेकर जाऊंगा ना। चल तो फिर जल्दी चल। लेकिन बहुत दूर है, कैसे चलेंगे यार? वो मैं लेके चलूंगा ना, तू टेंशन काहे को ले लेला है। ठीक है चल चल, मैं भी चल रहा हूँ। चल थक गया यार, कितने दूर है यार, एक तो भयंकर धूप लग रही, मेरे से चलाई भी जा रहा है यार। अरे बस यही पर ही यार, चलना यार। चंदा ले दिला जा रहा है, क्या करने जा रहा है? चंदा दिलाएगा। धूप लग रही है क्या? भयंकर धूप लग रही है यार। तो मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। मैं थक भी गया हूँ यार। अरे मैं ले चलूंगा, तुझे टेंशन क्यों ले रहे ना? कैसे ले लेगा तू? अरे धूप लग रही है ना तुझे? अरे चलना यार, नाटक क्या करता है? अरे चल चल, मेरे को क्या हाथी मिल गया, मेरे को तो फोकस का। चलो तू अंधेरे में यार। बस आगे ना भाई यार, यही छोड़ो। कैसे बात करता है तू यार? अरे यार भाई, वो क्या दिखाना पड़ता है ना पब्लिक को, क्या अपन गुंडे लोग है भाई। नॉर्मल बात करा कर। ठीक है भाई। कौन है ये? यही है भाई छोटू। ओहो छोटू। हाँ भाई। ओ, नो नो ओ, नो, ओ, नो तो तू है छोटू? अबे ये कौन है? यही तो है टिंकू भाई। क्या? टिंकू भाई यही है जो तुम्हें चंदा देंगे। अच्छा। हाँ तू जानता नहीं है मुझे, मैंने 10 मर्डर किए हैं। ओ, नो। और 10.5 करने में वक्त नहीं लगेगा। यार ये टिंकू नाम तो सुना मैंने, सारा बहुत बड़ा गुंडा है बेटा, गलत फंस गया, जान बचाने पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। जो मेरे को क्यों बुलाया? चंदा देने के लिए बुलाया क्या मेरे को? हाँ तेरे को चंदा देंगे ना, आ बैठ। आ तेरे को चंदा देता हूँ, बैठ फोकट। बहुत बढ़िया। नो 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 नो, खाएगा आदमी मत लेना। तो मैंने सुना है तू मेरे इलाके में गणेश चतुर्थी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। मैं? हाँ तू। गलत सुन लिया आपने। तुमने मेरे को गलत? नहीं भाई यही है भाई, छोटू दादा यही है, पूछो उनसे। अरे तो वो तो मैं हूँ, लेकिन मैंने सोचा था भाई मैं इनकी गणेश जी की स्थापना कर दे इसलिए, लेकिन मैंने चंदा वंदन ही उगाया। ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तू? हाँ ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं भाई इन्होंने उगाया, ये उसके साथ एक और बंदा था भाई, वो मोटू मोटू ऐसे नाम तो बताया भाई। कौन रे? एक बात बता भाई, तू जब मेरे को लेने आया था तो मैं चंदा उगा रहा था, मैं बैठा था, बैठे हुए थे ना भाई। आगे नहीं बात समझ में भाई, और सेकंड बात बोला ना भाई, ये बंदा सही भी बोल रहा है। सेकंड बात क्या है कि मेरी तो इच्छा नहीं थी गणेश जी वनेश जी बिठाने की, क्योंकि मैं तो 15-15 दिन तक नहाता नहीं हूँ। और मेरा दोस्त है ना मोटू मोटू, उसने बोला तो मैंने तो बोला मैंने कि भाई तू उगा ले, मैं तेरे पीछे पीछे घूमूंगा, और क्या मुझे तो घूमने की आदत पड़ी है। देखा ना भाई, तो मैंने नहीं उगाया पैसा, मेरा नाम मतलब ये झूठ बोल रहा है। एक काम करेगा, मोटू का पता बता। मोटू का पता? हाँ अगर तूने उसका पता बता दिया तो मैं छोड़ दूंगा। बता रहा हूँ, मोटू है पेट से बड़ा मोटू, ये बड़े बड़े पैर, लिखता जा, ये बड़े बड़े हाथ, ये बड़ा बड़ा मुंह, और ये लंबे लंबे दांत। हाथी है क्या? हाँ यूं मान लो भाई। और रहता है कहाँ बताऊँ? 420 गली नंबर 2 और 435 मकान के बाद में वो रहता है। अच्छा तो जंगल वंगल तो नहीं ना वहाँ पे? नहीं जंगल नहीं है, वैसे चलने की जगह जरूर है। फिर तो वो वहाँ ही रह सकता है, तुझे जाना पड़ेगा, जा उसे उठा कर ला। भाई वो इतना बड़ा है भाई, वो सुअर बना देगा भाई मेरा। तो ए, तुम्हारा सुवर? आदमी किसने बना दिया तुम्हें? जो नहीं डर रहे तुमसे बढ़िया तो मैं हूँ। तो भाई पैदल कैसे जाऊंगा भाई? सो ना भाई, बेइज्जत कर रहे तुम्हें। फटफटिया बेकार आदमी को लगा रखा है तुमने यार। चल छोटू चाय पिएगा? चाय पिएगा? नहीं नहीं मैं चाय वाली, मैं तो कॉफी पीता हूँ। अबे यहाँ जंगल में कॉफी कहाँ से लाऊँ तेरे लिए?
फिर कुछ भी क्यों रहे हो, नहीं पीना मुझे वो मिल जाएगी क्या? एकाद एकाद मैं तेरे घर का हूँ, हाँ मैं तेरे घर का हूँ, हाँ तो मैं भी थोड़ी डरने वाला, क्योंकि मेरी मौसी का लड़का है, मेरे घर का है, मैंने बोल दिया मेरे को डर भाई, मैंने चंदा ही नहीं उगाया तो देख लूंगा छोटू तेरे को। एक काम कर भाई, कोई नहीं आए ना उससे पहले चश्मा लगा के देख ले, ऐसे कम दिखाई दे रहा होगा। बेइज्जती कर रहा है मेरी? नहीं तारीफ कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी तारीफ होती है भाई, अगर ऐसे तुम बोल रहे हो तो देख लूंगा, तू इतनी देर के क्या कर रहे थे, इतनी देर का मैं दिखा नहीं, लगता है आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा भाई। चल यही बैठ बात सुन। तुमने नहीं बोला क्या अभी के चल, मैं सोच रहा हूँ कि चले मूड मूड बन जाएगा और क्या। अरे यार ये छोटू कहाँ गया यार, मुझे तो बुला लिया लेकिन खुद तो आया नहीं, और बोला मुझे मैं नहा के आऊंगा, नहा के भी आ गया मैं, कहाँ गया छोटू, दूसरे के दूसरे भी नजर नहीं आ रहे। मैंने सुना तू मोटू है। हाँ मोटू हूँ, बोल। छोटू ने बुलाया लाया तुझको? कहाँ? वही बावड़ी के पीछे। वहाँ क्यों? वहाँ चंदा इकट्ठा मिल रहा है वहाँ पे छोटू को। कौन दे रहा है वहाँ चंदा उसको? वहाँ पे मेरा भाई दे रहा है ना। अच्छा? हाँ काफी चंदा दे रहा है उसको। अच्छा हाँ तो तेरे को भी बुलाई ले रहा है वो। अरे वहाँ कहाँ, कहीं भी चल चल तो, मैं तो चल चले। हाँ चलो तो फिर आ जाओ। चल छोटू, ओ छोटू इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, गया कहाँ है साला? इधर देखता हूँ, इधर भी नहीं है, इससे पूछता हूँ चेतन। अरे चेतन बेटा, मेरे छोटू को देखा क्या तूने? हाँ देखा तो था ना। कहाँ है वो? पप्पू फोकट है ना। पप्पू फोकट? हाँ। हाँ तो उसके साथ गए तो? पप्पू फोकट के साथ? हाँ। ये छोटू मरवाएगा मुझे, पप्पू फोकट तो बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, और चंदे के लिए लेके गए थे। चंदे के लिए? हाँ। यार वही लोग तो गणपति का चंदा इकट्ठा करते, ये खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा साला। है। पर लेके गए था उसको वो बावड़ी के पीछे। बावड़ी के पीछे? हाँ। गए किस साइड से वो बेटा? वो इस साइड से गए हैं इधर। हाँ। ये खुद मरेगा, जो तो मरेगा मुझे ही मरवाएगा साला। वो आ गया मेरा मोटू, और तुम्हारे मगरमच्छ को उठा लाया। तो तू मोटू है? अरे छोटे तू यहाँ? अरे मुझे भी उठा के लाए। क्या बात करता है? बात है, इसको उठा के ला। उठ गया भाई मुझसे, देखो ना आप। अरे कितनी गंदगी कर रखी है। अरे तू इधर बैठ। अरे तो मुझे क्यों मार रहा है? क्या बैठने दे मुझे। अरे तू यार मरने की कगार पे तू रुक। अबे तू हाथी का बच्चा ही है, कहाँ से लाया इसे? मैंने बोला था वहाँ से लेकर आना है, चिड़ियाघर जाने को नहीं कहा था? कैसे बोल रहे? मैंने सुना है तू चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारे एरिया में। हाँ जानता है मैं कौन हूँ? कौन है ये? उससे पूछ ले कौन हो। तू ही बता कौन है, बता इसको। अरे तेरे से पूछ रहा हूँ, तू कौन? तो क्या पूछ रहा है? टिंकू दादा हूँ मैं, टिंकू दादा। हाँ टिंकू दादा, टिंकू दादा। ये मवाली एक नंबर का गुंडा, मवाली मर्डर कर रखे इसने, सारे दस तो कर रखे और आधा और कर लेके मुझे बोल रहा 11 नंबर तेरा है। इसका तीनों अंग है, देख ये दो तीन। हाँ, इसीलिए तो दोनों पे एक ही बारी है, वो तो अगर तुम दोनों से कुश्ती करो नहीं तो दोनों को दबा दे। अरे नहीं नहीं ये हमें काम नहीं करना। तुम में से चंदा कौन मांग रहा था ये बताओ? ये मांग रहा है। अरे मेरी बात सुन, मैंने तो बोली थी मेरी चंदा होगा ना मांग, तो कोई आता नहीं कि घर घर में जाकर उस डॉक्टर को नहीं खींचा गया तूने पकड़ के? हाँ तो बोला तो इसने था। मैं तो बोलूंगा छत पर कूद जा। यार के डर रहा है क्या इंसान? देखो तुम टाइम खोटी मत करो। खोटी नहीं डरे नहीं, कहीं करा बचने का उपाय बताए क्या करे? क्या करना है भाई? मैंने अपने पंटर लोगों से सुना भाई कि इसके बाप है ना, उसका भी नाम चलता है बबलू मवाली का भाई। ले सरे बता यार। ये कौन है? ये मेरे पापा है। अरे ये कौन है बेटा? भाई मुझे तो ये लग रहा है भाई इसके पापा बबलू मवाली, इनका अच्छा। नाम चलता भाई। ये है क्या? हाँ कौन से लदा है? टिंकू दादा।
अजय, टिंकू दादा और फोकट। अच्छा फोकट, घर से फोकट है ना? हाँ पूरा फोकट है। तभी मेरे पास नाम से तो ऐसा लग रहा था मुझे बहुत बड़े दादा होंगे। तुम्हारी शक्लें तो वैसे कुत्ते जैसी नजर आ रही है मेरे को। अरे आप क्या निकाल रहे हो, बंदूक? आप बैठो, चाय पानी कुछ? चाय पानी, नाश्ता भी मंगवाओ। आगे बात करते हैं काम की। काम की? हाँ। ये बताओ मेरे लड़के को पकड़ के कैसे लाए आप? अरे यार ये चंदा मांग रहा है यार मेरी जगह पे। हर साल चंदा हम मांगते हैं, ये कैसे इकट्ठा कर रहा है? हाँ तुम्हारी जगह पे? हाँ तुम्हारी जगह पे थोड़ी मांगा है, तो मोहल्ले में मांग रहा था चंदा। हाँ तो वो पूरा हमारा इलाका है। अच्छा, कुत्तों का भी इलाका होता है? ए शेर, हम बब्बर शेर, उसको समझाने का अगली बार। बेटा अगली बार ध्यान रखना। देख भाई मेरी बात सुन, इस साल मैं चंदा भी उगाऊंगा और गणेश जी भी बिठाऊंगा। अरे पर तू चंदा उगा क्यों रहा है? गणेश जी बिठाने के लिए। इस साल मत बिठाना, अगले साल बिठा लेना। नहीं मेरी भी मजबूरी है, मैं गणेश जी। क्या मजबूरी आ गई तेरी? ज्यादा बोल रहा है क्या भाई? बोल यार, वो पारेगा यार। भाई देख तू रुक जा, मैं तुम्हें बोल लूं। तू बोल ले तेरा डायलॉग। भाई रात को मेरे सपने में गणेश जी आए, उन्होंने बोला इस साल तो नहीं मेरी मूर्ति बेटा। अच्छा। तेरे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, तेरी शादी हो जाएगी। तो समझौता कर लेते, मैं तेरे सोच रहा हूँ। अब पता क्या करना है? ठीक है छोटू, मैं तुझे चंदा दूंगा। दे भाई। अभी नहीं है, बाद में ले लेना। गणेश जी तो आज ही बिठाएंगे, नहीं कि मुर्दा निकल जाएगा। जब गणेश जी लाए तो तू हमें भी शामिल करेगा? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। ये तो यार कैसी बात कर दी यार तूने। अरे तो अब करना क्या है? करना क्या है, गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं और गणेश जी की स्थापना करते हैं। चलो फिर बोलो गणपति बप्पा। जय हो जय हो जय हो गणेश तेरी, जय हो गणेश, जय हो जय हो जय हो गणेश तेरी, जय हो जय हो जय हो गणेश। तू जगदाता बुद्धि विधाता, तेरी महिमा कोई न पाता, मेरे घर में करो प्रवेश। जय हो जय हो जय हो गणेश तेरी, जय हो जय हो जय हो गणेश। मोदक तुझको है अति भाता, जीवन के तू कष्ट मिटाता, पूरी करो कामना मेरी विघ्नेश। जय हो जय हो जय हो गणेश तेरी, जय हो जय हो जय हो गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी।